गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इंग्लिश के वॉवल्स के प्रोनाउंसिएशन के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत यहां ई और आई का उच्चारण कैसे किया जाता है, शब्दों में आने के बाद जो विभिन्न तरह से कैसे उसके उच्चारण बदलते हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी भाषा के अंतर्गत उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। यहां पर हम बात इंग्लिश की कर रहे हैं। इंग्लिश में वॉवल्स जो हैं वो पांच हैं, ए ई आई ओ यू। इसी पांच वॉवल्स के माध्यम से पूरा अंग्रेजी का साहित्य टिका हुआ है। मात्राएं इसी के हिसाब से लगाई जाती हैं। जैसे हिंदी में 46 लेटर्स हैं, उसमें दो भाग किए गए हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में 26 यानी 26 लेटर्स हैं, वर्ण हैं, जिसको दो भागों में बांटा गया, ए ई आई ओ यू। उसी ए ई आई ओ यू का उच्चारण कैसे करते हैं, कब कब इनका उच्चारण बदल जाता है, इसके विषय में यह जानकारी दी गई। यहां पर ई से संबंधित बात आई हुई है, ई का उच्चारण कैसे करते हैं, बाकी चीजें बाद में देखी जाए। सीधे टॉपिक पर आइए, ई का उच्चारण, ई डबल ई की ए यानी बड़ी ई, यानी यहां बड़ी ई के रूप में आया हुआ है। जैसे यहां इसका चिन्ह बना हुआ है, यहां अक्षर लिखा, उसके आगे लाइन खींचा, ऊपर से ऐसे गोला बना दिया। जैसे यम ई मी, यम ई मी मुझे, यच ई ही वह, यच ई ही पढ़ते हैं ही वह, बी ई बी, बी का मतलब होना, वर्ब है, क्रिया है। यानी सभी में देख रहे हैं म पर बड़ी की मात्रा लगाई गई, ई आ गया तो, ह पर बड़ी की मात्रा ई के लिए लगाई, ब पर बड़ी ई की मात्रा लगाई गई बी, यानी ई से बड़ी ई की मात्रा भी होती है। अब यहां देखिए डबल ई, डबल ई, डब्लू डबल ई के वीक, डब्लू डबल ई के वीक, वीक का मतलब सप्ताह। टी डबल ई एन टीन, टी डबल ई एन टीन, बड़ी ई की मात्रा, टीन का मतलब किशोर। के डबल ई पी कीप, कीप का मतलब रखना, के डबल ई पी कीप, कीप का मतलब रखना। वीक डब्ल्यू ई ए के वीक, कमजोर, डब्ल्यू ई ए के वीक, कमजोर। हीप एच ई ए पी हीप, ढेर, एच ई ए पी हीप, ढेर। एस ई ए सी सागर, एस ई ए सी सागर, यानी ई ए देख रहे हैं तभी बड़ी की मात्रा, डबल ई तभी बड़ी की मात्रा, ई तभी बड़ी की मात्रा, यानी ई से बड़ी की मात्रा होगा, डबल ई से भी बड़ी की मात्रा हो जाता है, ई आया है और उसके बाद ए आया है तभी बड़ी की मात्रा। अब ई का मतलब आए, ई का मतलब आए, जैसे एच ई एम हैन, एच ई एन हैन मुर्गे, पी ई एन पैन, पैन का मतलब कलम, कलम स्त्री या हंसनी, स्त्री वाला हंसनी, लेखनी, बहुत सारी चीजें होती है पैन से। एंटर प्रवेश करना, एंटर प्रवेश करना, अब यहां देख रहे हैं ई का मतलब आए हुआ, यानी अक्षर के ऊपर डबल ऊपर का मात्रा लगा दिया, आए, जैसे हैन पैन एंटर। अब आइए ई का मतलब छोटी ई, ई का मतलब छोटी भी होता है, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल उदाहरण, एग्जाम्पल उदाहरण, इलेवन ग्यारह, यहां देख रहे हैं छोटी की के लिए ई आया, ई छोटी ई के लिए आया हुआ। एंगेजमेंट सगाई, एंगेजमेंट सगाई, यानी ई का मतलब छोटी मात्रा भी लगाई जाती है इसे।
उसके बाद आई एफ आई के आई का उच्चारण कैसे करते हैं। आई के उच्चारण के लिए विभिन्न विधियां यहां डाली गई हैं। आई का मतलब छोटी ई, आई का मतलब छोटी ई, जैसे इट, इट का मतलब यह, आई टी इट, इट का मतलब यह, आई एस एज, एज का मतलब यह एक सहायक क्रिया बी का रूप है, इंजरी इंजरी आई एन जे यू आर वाई इंजरी, इंजरी का मतलब चोट, यहां भी आई का मतलब छोटी ई से, यस आई एम सिन, सब पर छोटी की मात्रा लगी, यस सिन, सिन का मतलब पाप, एच आई एन डी यू एस टी ए एन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में देख रहे हैं हम पर छोटी की मात्रा लगी है, एच आई डबल एल हिल, हम पर छोटी की मात्रा है, हिल, हिल का मतलब पहाड़, आई का मतलब आय भी होता है उच्चारण में, आई का मतलब आय, जैसे हाय, हाय का मतलब अभिवादन करने के लिए आता है हाय, हायर एच आई आर ई हायर, हायर पढ़ते हैं किराए पर लेना, एच आई आर ई हायर किराए पर लेना, डी आई आर ई डायर, डायर का मतलब भयानक, डी आई आर ई डायर, डायर का मतलब भयानक, आई 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 एफ आई एल ई फाइल, फाइल का मतलब फाइल, एन आई एल ई नाइल, नाइल का मतलब नील नदी, जी आर आई एन डी ई ग्राइंड, ग्राइंड पीसना, एच आई डी ई हाइड, हाइड छिपाना, हाइड छिपाना, पी आई एल ई पाइल, पाइल का मतलब ढेर, किसी चीज का ढेर, पी आई एल ई पाइल ढेर, चाइल सी एच आई एल ई चाइल, चाइल चाइल जो है वह चीली को कहते हैं, चीली एक देश है उसके लिए आया हुआ है सी एच आई एल ई चाइल, चीली एक देश है, एस टी आर आई के ई स्ट्राइक, स्ट्राइक हड़ताल, एस टी आर आई के ई स्ट्राइक हड़ताल, काइट के आई टी काइट, काइट का मतलब पतंग, यानी यहां जो है आई का मतलब आई, आई का मतलब अ भी होता है, आई का मतलब अ भी होता है उच्चारण कब, जैसे फ्लर्ट, फ्लर्ट एफ एल आई आर टी, यहां आई का मतलब अ से, फ्लर्ट, फ्लर्ट का मतलब फ्लर्ट करना, फर्स्ट, फर्स्ट एफ आई आर एस टी फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब प्रथम या पहला, थर्ड टी एच आई आर डी थर्ड मतलब तृतीय या तीसरा, डी आई आर टी डर्ट, डर्ट का मतलब गंदगी, डी आई आर टी डर्ट, डर्ट गंदगी, एस एच आई आर टी शर्ट, एस एच आई आर टी शर्ट, शर्ट कमीज, एस एच आई आर के शर्क, एस एच आई आर के शर्क भागना, जिम्मेदारी से भागना, आई ई, आई ई का मतलब छोटी की मात्रा है, आई ई छोटी की मात्रा, छोटी नहीं बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ ई की मात्रा सारी यहाँ ई है, ऐसे बड़ी की मात्रा आई ई, आई का मतलब है बड़ी की मात्रा से है बड़ी ई, नीस एन आई सी ई नीस, सॉरी यहाँ एन आई ई सी ई है, ये थोड़ा गलत हो गया, एन आई ई सी ई,
नीस, NIECE नीस, नीस का मतलब भतीजी, नीस का मतलब भतीजी रहेगा बड़ी की मात्रा लगे, PIECE पीस, पीस का मतलब टुकड़ा, PIECE इस पीस का मतलब किसी चीज का टुकड़ा, तो पीस। Believe, का मतलब बड़ी की मात्रा, believe विश्वास करना, आई के बाद ओ अगर आ जाए तो पढ़ते हैं आई, आई और ओ आ जाए तो आई, मतलब एल आई ओ एन लायन, एल आई ओ एन लायन, लायन मतलब शेर, आर आई ओ टी रायट, आर आई ओ टी रायट दंगा, आर आई ओ टी रायट दंगा, आई ओ आई आई ओ एन आयन, आयन का मतलब और यह भौतिकी, आई ओ एन सॉरी यहां आयन, यहां बीच से गायब हो गया आयन, आयन मतलब यह भौतिकी से लिया गया है और से आयन, आई ओ एन आयन, आयन मतलब भौतिकी से है, इसलिए बीच में यह नहीं रहेगा आयन, आयन या अणु, अणु यह भौतिक विज्ञान में फिजिक्स के अंतर्गत आता है आयन। अब इस तरह से आपने देखा कि कैसे ई और आई का उच्चारण शब्दों में आने के बाद किस प्रकार से बदल रहा है, कैसे मात्राएं लगाई जा रही हैं और उसके हिसाब से उसका उच्चारण भी शब्द का बदलता चला जा रहा है। तो अभी तक आपने ए का देखा, ई का देखा, आई का देखा, बचा ओ और यू, यानी सारा कुछ भी जो भी इंग्लिश का उच्चारण निर्भर है शब्दों का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी इस वावल्स की, यानी वावल्स ए ई आई ओ यू की है, जिसको हिंदी के अनुसार इसे कैसे उच्चारित किया गया है इसको समझाने का प्रयास यहाँ किया गया है। यानी जैसे जैसे आप इसे सीखते चले जाएंगे ठीक उसी प्रकार से आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और उसका अपवाद भी आप जानते चले जाएंगे और धीरे धीरे आप सक्षम भी हो जाएंगे। थैंक यू।